न्यायमूर्ति भूषण गवई द्वारा राज्य सूचना आयुक्तालय में ऑनलाइन सुनवाई कक्ष और रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया गया। इस समय बोलते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने बोलते हुए कहा कि भारत के संविधान ने सभी को न्याय तक पहुँच का बुनियादी और मौलिक अधिकार प्रदान किया है। न्याय के इस अधिकार में त्वरित न्याय भी शामिल है। राज्य सूचना आयोग अमरावती पीठ में नव स्थापित ऑनलाइन सुनवाई कक्ष के कारण दूरदराज के क्षेत्रों में वादकारियों को ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये सुविधा उपलब्ध होने से संबंधित पक्ष अपना पक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेगा। आशा है कि इस सुविधा का उपयोग करके हम देश के नागरिकों को शीघ्र एवं किफायती न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन सुनवाई सुविधा स्थापित करने के लिए राज्य सूचना आयोग को भी बधाई दी है। न्यायमूर्ति भूषण गवई ने राज्य सूचना आयोग अमरावती पेठ कार्यालय में नव निर्मित सम्मेलन कक्ष, ऑनलाइन सुनवाई सुविधा और रिकॉर्ड रूम का उद्घाटन किया है। वह उस समय बात कर रहे थे। इस अवसर पर उच्च न्यायालय मुंबई नागपुर पीठ के न्यायाधीश अनिल किल्लोर, अमरावती जिला न्यायालय के मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहन देशपांडे, राज्य सूचना आयोग अमरावती पीठ के राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकले, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, सहायक समाहर्ता एवं अनुविभागीय अधिकारी मीनू पीएम, उप सचिव देवी सिंह डाबीराव एवं अन्य उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट। 125 वर्षों से महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था पुणे द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन नागपुर एकमात्र इंडस्ट्री सहायक कॉलेज, सर्वाधिक कोर प्लेसमेंट, 100% इंटर्नशिप, सैनिटाइज्ड हॉस्टल और हाइजीनिक मेस सुविधा, बस सुविधा, स्कॉलरशिप, आज ही प्रवेश ले कमिंस, ब्रांच कुठले ही असो, माझी निवड कमिंस नागपुर।